गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एट योर होम। ये स्टूडेंट्स, ओपन योर स्मार्ट इंग्लिश, ओपन चैप्टर नंबर 6, अ रेनी डे बर्थडे पार्टी। वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 6, अ रेनी डे बर्थडे पार्टी। ओपन योर बुक एंड टेक पेंसिल ऑल्सो। वी हैव रेड इन दिस चैप्टर अबाउट रवि, अबाउट रवि बर्थडे पार्टी। ठीक है, उसकी बर्थडे है तो उस दिन क्या हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है तो थोड़ा सा वो अपसेट हो जाता है, लेकिन उसकी मम्मा बोलती है आप अपसेट मत हो, तो मैं कोई ना कोई मैजिक कर दूंगी, आपका बर्थडे बहुत अच्छा जाएगा। तो उसके जो फादर हैं उन्होंने उसको एक बाइसाइकिल गिफ्ट की है, ब्लू कलर की, जो उसका फेवरेट कलर है। और जब वो इवनिंग में घर आता है तो वो देखता है कि रूम बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, उसकी मम्मा ने काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज बनाई हुई है, देखिए। और उसका फेवरेट जो क्रिकेट उसकी फेवरेट गेम है, वैसा ही उन्होंने केक बना रखा है, बैट बैट भी है और बॉल भी है। ये केक है बेटा, इसे केक की शेप दी गई है। ओके, तो उसकी फ्रेंड्स आते हैं होम पे, ये देखिए उसकी फ्रेंड्स आए, उन्होंने उसको गिफ्ट लिया हुआ है, उसको बर्थडे विश किया है, और भी उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आते हैं, उसे बर्थडे विश करते हैं। तब उनको बोलता है थैंक यू सो मच। आगे देखिए, उन्होंने उसको थैंक यू बोला, आई एम गोइंग टू हैव फन अनरैपिंग द गिफ्ट। अब वो क्या कहते हैं कि मैं, बट मॉम व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ। वो कहते हैं कि मैंने अपने जो उसके जो गिफ्ट आए हुए थे उसको सभी को मैंने ओपन करके इन्जॉय किया है, मम्मा अब हम क्या करेंगे। फर्स्ट कम टू द टेबल सेट रागिनी, रागिनी कहती है कि अब आप टेबल के पास आ जाओ, आई हैव लिट 9 कैंडल्स ऑन द बिग केक प्लस 1 ऑन द स्मॉल केक। कहते हैं कि हमारे पास 9 कैंडल हैं बड़े केक पर और एक छोटी कैंडल है छोटे केक पर। ठीक है, एवरी वन गैदर्ड अराउंड द टेबल एंड सेंग द बर्थडे सॉन्ग फॉर रवि। सभी टेबल के चारों ओर खड़े हो जाते हैं और बर्थडे का सॉन्ग गाते हैं। गाते हैं ना, जब हम कोई केक कट करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं ना, इसी तरह से जब वो केक कट करते हैं तो सभी ये वाला बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। मेक अ विश रवि सैड सुशी, सुशी उसकी फ्रेंड है, वो कहती है रवि को कि आप कोई विश मांग लो। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग सैड रवि, रवि कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि बारिश रुक जाए जो बाहर हो रही है। फॉरगेट द रेन रवि सैड डैड, डैड कहते हैं कि रवि आप बारिश के बारे में भूल जाओ। लेट्स ईट ऑल दीज लवली स्नैक्स मम्मी हैड मेड, कहते हैं चलो हम इन जो मम्मा ने जो डिशेज बनाई हैं, जो स्नैक्स बनाए हैं, उसका हम इंजॉय करते हैं। दिस केक इज़ वेरी टेस्टी, आई हैव गॉट अ पीस ऑफ हैंडल ऑफ द बैट सैड नेहा। नेहा कहती है कि ये जो केक है बहुत टेस्टी है, मैंने इसके जो हैंडल है, हैंडल का मैंने एक पीस टेस्ट किया है। टेस्ट द समोसा एंड ग्रीन चटनी सैड बॉबी, बॉबी बॉबी कहती है कि समोसा और ग्रीन चटनी भी बहुत टेस्टी है, इसे भी टेस्ट करो आप, इट्स रियली डिलीशियस, सच में बहुत टेस्टी है। द चीज़ एंड टमाटो सैंडविचेस आर यमी, कहते हैं कि जो चीज़ और टमाटो की सैंडविच हैं वो भी बहुत यमी हैं। मीटा कहती है आंटी यू मस्ट हैव बीन बिजी द होल डे, वो कहती है कि आंटी मुझे लगता है कि आज आप सारा दिन बिजी रहे होगे ये सारी की सारी डिशेज बनाने में। रागिनी एंड डैडी ऑर्गेनाइज द गेम ऑफ पासिंग द पार्सल, रागिनी और डैडी क्या करते हैं एक गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन सी गेम है, वो पार्सल की गेम है, पासिंग द पार्सल। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि हम पार्सल होता है एक, वो हम पास करते हैं और म्यूजिक चलाते हैं, जहां म्यूजिक स्टॉप हुआ वो पार्सल जिसके पास आया वो ओपन करेगा और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो उसको करना होगा। तो यही चीज़ है, देखें हम, वेन एवर द म्यूजिक स्टॉप्ड द चाइल्ड हु हैड द पार्सल टुक ऑफ द रैपिंग पेपर रीड द मैसेज एंड डिड व्हाट इट सेड, क्या कहते हैं जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा वही चीज़ है, वो क्या कहते हैं जब भी whenever the music stop, जब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, द चाइल्ड हु हैड द पार्सल, जिसके पास भी वो पार्सल होगा, टुक ऑफ द रैपिंग पेपर, उसे उसका जो भी उसको रैपर उतारना होगा, रीड द मैसेज एंड डिड व्हाट इट सेड, और उस मैसेज को रीड करना होगा, उसमें करना होगा जो भी उस पर राइट किया होगा वो आपको करना होगा। द चिल्ड्रन सेंग एंड डांस्ड एंड एक्टेड, जो वहाँ बच्चे थे वो सभी इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। दे हैड अ वंडरफुल टाइम, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ ट्रेजर हंट सैड मम्मी, अब उसकी मम्मा बोलते हैं कि अब हम क्या खेलेंगे, अब हम ट्रेजर हंट खेलेंगे। बेटा ये गेम होती है, देखेंगे इसके बारे में। जस्ट वेट वॉच लिसन एंड डू वट यू आर टोल्ड सैड डैडी, अब उसके फादर बोलते हैं कि आपने क्या करना है, देखना है, सुनना है और करना है।
देखिए क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट क्ल्यू, ये फर्स्ट क्ल्यू दिया जा रहा है उनको, लिफ्ट अ फ्लफी येलो कुशन एंड फाइंड द फर्स्ट क्ल्यू। कहते हैं कि येलो कुशन आपने उठाना है एंड फाइंड द फर्स्ट क्ल्यू, और उस पर वहीं पर आपको फर्स्ट क्ल्यू मिलेगा। इट विल टेल यू जस्ट व्हाट टू डू। आपने उस पर जो भी राइट किया होगा वो आपको करना होगा। द चिल्ड्रन बिगेन टू लिफ्ट अप द येलो कुशन, देन बॉबी सैड एक्साइटेडली, हेयर इट इज। बच्चे क्या करते हैं, वो येलो कुशन उठा लेते हैं और जो बॉबी होता है वो क्या कहता है, ओ मिल गया, यहाँ पर है वो कुशन। अंडर द टीनी पॉटेड प्लांट स्टैंडिंग ऑन द विंडो स्टिल, फाइंड द नेक्स्ट क्ल्यू रिटन ऑन एन ओल्ड बिल, द चिल्ड्रन रैन टू द विंडो। अब देखो फर्स्ट क्ल्यू उनको क्या मिला था, वहाँ पर जाना था, उन्होंने येलो कुशन उठाना था, येलो कुशन उठाया तो उसके ऊपर वहाँ उनको एक जो भी था क्ल्यू मिला, उस पर क्या लिखा हुआ था कि अब आप विंडो के पास जो छोटे छोटे प्लांट वहाँ पे जो पोर्च थे वो जो हैंग किए हुए थे विंडो के पास, वहाँ पर जाओ और नेक्स्ट क्ल्यू ढूंढो आप, ठीक है। द चिल्ड्रन रैन टू द विंडो, अब बच्चे जल्दी से विंडो के पास गए। आई हैव गॉट इट, लिसन सेड आरती, आरती ने क्या कहा, सुनो मुझे मिल गया है, तो सेकेंड क्ल्यू भी मिल गया उनको। पिंड टू अ प्रीटी रेड कर्टेन हैंगिंग ऑन अ वाइट डोर इज द नेक्स्ट क्ल्यू यू आर लुकिंग फॉर। देखो अब थर्ड क्ल्यू में क्या था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे था कि जो रेड कलर के सुंदर सुंदर कर्टेन हैं जो वाइट डोर पे हैंग किए हुए हैं, वाइट डोर पे जो उनके रेड कलर के कर्टेन थे, कहते हैं नेक्स्ट क्ल्यू आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। नाउ पेज नंबर 60 ओपन बेटा, देयर इट इज, इट इज़ पिन टू द टॉप ऑफ द कर्टन सेड रवि। अब रवि को मिल गया, रवि कहता देखिए वो रहा कर्टन के ऊपर ऊपर पिन किया हुआ है वो क्लू, देखो क्या है, डैड यू विल हैव टू गेट इट डाउन फॉर अस, डैडी हैंडेड द स्लिप टू रवि, लिसन सेड रवि क्लोजर एंड क्लोजर, नाउ यू आर देयर स्टक टू द साइड ऑफ अ डाइनिंग चेयर, फाइंड द क्लू यू मस्ट नॉट टीयर। अब क्या होता है, तो वो जो क्ल्यू होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वो रवि कहता है अपने फादर को, पापा क्या आप मुझे वो थोड़ी सी नीचे उतार दोगे। डैडी हैंडेड द स्लिप टू रवि, डैडी क्या करते हैं वो रवि को वो स्लिप दे देते हैं। वो क्या कहते हैं, रवि सुनो अब तुम क्लू के बिल्कुल पास आने वाले हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्ल्यू क्या होता है, उस स्लिप पे क्या रिटर्न होता है, उस पे लिखा होता है कि डाइनिंग चेयर पे क्या हुआ है, जो डाइनिंग चेयर है वहाँ पर जो उसके ऊपर जो भी हैंकी स्प्रेड किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्ल्यू आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हरी आई कैन हार्डली वेट, सिक्स चेयर लुक एट ईच वन सैड अली। अब अली क्या कहते हैं कि जल्दी से चलो वहाँ पर देखो सिक्स चेयर्स हैं, तो वहीं पर देखते हैं हम। हेयर इट इज सैड सुशी, सुशी क्या कहती है कि यहाँ है देखो मुझे मिल गया। द फाइनल क्ल्यू यू विल सी स्टार्टिंग स्टेयरिंग एट यू फ्रॉम द पिक्चर ऑफ रवि दैट जस्ट अबव द सोनी टीवी। अब जो फाइनल क्ल्यू था वो क्या था, क्या उस पर क्या रिटर्न था कि अब आपको फाइनल क्ल्यू मिल जाएगा, वो कहाँ पर होगा, जो रवि की पिक्चर जहाँ पर हैंग की हुई है वहाँ पर सोनी का टीवी है उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो आपको क्ल्यू मिल जाएगा। ओ लुक सैड मीटा देयर इट इज। अब मीटा क्या कहती है, वो देखो वो रहा वहाँ पर है। बॉबी एंड सुशी रीड इट टुगेदर, जो उसके फ्रेंड्स है बॉबी और सुशी वो इसे इकट्ठे पढ़ते हैं, बॉबी और सुशी से इकट्ठे पढ़ते हैं। यू विल फाइंड द ट्रेजर, नाउ यू जस्ट ओपन द फ्रंट डोर एंड फाइंड इट ऑन द फ्लोर। अब क्या हो कहते हैं कि जब उन्होंने उसको फाइनल क्ल्यू उनको मिल गया तो वहाँ पे क्या होता है, कहते हैं अब आप ओपन डोर जो सामने वाला डोर है उसे ओपन करो और फ्लोर पर आपको मिल जाएगा जो भी क्ल्यू है। द चिल्ड्रन ओपन द डोर एंड अंडर एन अम्ब्रेला ले अ बास्केट फुल ऑफ इंटरेस्टिंग पैकेट्स। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं, डोर को ओपन करते हैं और अम्ब्रेला के नीचे क्या देखते हैं, एक बास्केट पड़ी है फुल ऑफ इंटरेस्टिंग पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट्स हैं उस बास्केट के अंदर। आई नो सैड विवेक, विवेक कहता है कि मुझे पता है दीज आर रिटर्न गिफ्ट्स, ये हमारे रिटर्न गिफ्ट्स हैं। आई हैव गॉट अ पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर एंड पैकेट ऑफ टॉफीज। वो कहते हैं रिटर्न गिफ्ट में उनको क्या मिलता है, पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर और बहुत सारी टॉफीज। दिस हैज़ बीन अ ग्रेट पार्टी मम्मी, रवि अपनी मम्मा को बोलते हैं, मम्मा ये तो बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज किया आपने मेरे लिए, थैंक यू, अपनी मम्मा को थैंक यू बोलता है। आई लव द ट्रेजर हंट सो मच, रवि कहते हैं कि मम्मा मुझे ये जो गेम थी ना ट्रेजर हंट बहुत अच्छी लगी।
यस सैड रागिनी, रागिनी कहती हाँ मुझे भी अच्छी लगी। एंड यू फाइनली फॉरगेट अबाउट द रेन, और तुम फाइनली रेन के बारे में भूल गए थे। थैंक यू सो मच सैड ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने बोला थैंक यू, वी हैड डिलीशियस फूड, एक्साइटिंग गेम्स एंड अ ग्रेट इवनिंग, बाय एवरीवन। हमने बहुत फूड का इंजॉय किया, गेम्स का इंजॉय किया, और हमारी जो इवनिंग थी बहुत शानदार थी। बाय एवरीवन, सभी बाय करते हैं। डोंट फॉरगेट योर रेनकोट्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग सैड मम्मी, उसकी मम्मा क्या बोलती है, सभी जो चिल्ड्रन जो भी वहाँ पे आए थे उसकी फ्रेंड्स, सबको कहती है कि अपनी रेनकोट ले जाना मत भूलना, और सबका आने के लिए थैंक यू बोलती है। क्या आपने इस चैप्टर से बेटा क्या सीखा? देखिए जब वो उसने उसका जब उसका बर्थडे आया था तो वो बहुत अपसेट सा था, उसको ये था कि आज तो सारा दिन रेन हो रही है, मेरा बर्थडे अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन उसकी मम्मा ने मैजिक कर दिया था ना, इंटरेस्टिंग गेम क्रिएट करके, तो उसका जो बर्थडे था काफ़ी बहुत अच्छा शानदार बना दिया था। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर कम्प्लीट है, ये वर्ड मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।